लालू जी से आप उम्मीद क्या करते थे, चाहे लालू जी हो या तेजस्वी जी हो या उनका पूरा परिवार हो, उससे आप क्या उम्मीद करते थे। वो तो बिहार के किसी भी संकट में, चाहे बाढ़ का समय हो तब यहाँ से गायब रहते हैं, कोरोना का काल हो, पूरा देश जब था तो दिल्ली में घर में दुबके हुए थे सब परिवार, कहाँ थे प्रतिपक्ष के नेता पूरे कोरोना काल में। कभी उन लोगों ने बिहार के लोगों की सूद ली, अपने क्षेत्र के लोगों तक की सूद नहीं ली, तो बिहार की तो बात ही छोड़ दी। तो उन लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है, वो लोग नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, प्रवासी हैं, यहाँ प्रवास करने के लिए आते हैं, और जैसे ही उनका प्रवास समाप्त होता है दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। एक देखे हैं साइबेरियन वर्ड्स आता है, और साइबेरियन वर्ड्स जब बहुत ठंडा पड़ने लगता है उन प्रदेशों में साइबेरिया में, तब वो हिंदुस्तान आता है, और जैसे ही यहाँ का मौसम भी होता है तो वापस चला जाता है। तो ये लोग नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, साइबेरियन वर्ड्स हैं, इनसे आप उम्मीद क्या किए हुए हैं, उनको किस चीज़ से मतलब है। भाई नीतीश कुमार जी को और बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की चिंता है, बिहार के विकास की चिंता है, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की चिंता है, इसलिए दिन रात लगे रहते हैं। बिहार का बजट उन्होंने 2,18,000 करोड़ पहुंचा दिया, और लालू जी के राज में बिहार का बजट क्या था, 28,000-30,000 करोड़ 25,000 करोड़, और वो घट के मार्च में 15,000-17,000 पर बंद होता था, इसलिए कि आंतरिक संसाधन नहीं थे। जो राज्य के राजस्व की वसूली थी वो उनके खजाने में जाता था, नीतीश कुमार जी के राज्य में जो राजस्व की वसूली है वो राज्य के खजाने में जाता है, यही अंतर है। इस अंतर के कारण 2,18,000 करोड़ का बजट। तो उनकी चिंता अपना माल बनाने में है, कैसे माल बनाए। नीतीश कुमार जी की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार है उसकी चिंता बिहार को विकसित प्रदेश बनाने में, तो दोनों में मौलिक अंतर है। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो बिहार में रहेंगे चुनाव के बाद। ये अगर आपने उम्मीद पाल के रखा है था तो वही गलत था, हम लोग तो कभी उम्मीद पाल के नहीं रखते।